मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के सूबे नोवा स्कोटिया में इज्तिमाई शूटिंग के वाकये की रिपोर्ट जारी। ट्रूडो का कहना था कि पूरा कनाडा मुतासरीन के साथ खड़ा है। वादे के मुताबिक तब्दीलियां नजर आएंगी। बरतानिया की बड़े तिजारती ब्लॉक में शमूलियत, कनाडा की जानिब से बरतानिया की हिमायत। कनाडा की वजीरे तिजारत का कहना है कि हम पहले दिन से ही हमेशा यूके की हिमायत करते रहे हैं। ऑटोवा और लंदन एक अबूरी तिजारती मुहादे के तहत काम कर रहे हैं। टीटीसी में तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए टोरंटो सिटी काउंसिल का अहम कदम। $15 मिलियन खर्च करने के लिए सिटी काउंसिल में दरख्वास्त मंजूर। टीटीसी के सीईओ का कहना था कि टीटीसी में सफ़र करने से खौफजदा हैं। साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद, ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार, अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर पजिद। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा कर दिया। रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में अमरीकी सहाफ़ी गिरफ्तार, अमरीका का इजहार तशवीश। शुमाली कोरिया का रूस की मदद के लिए अपनी फौज भेजने पर गौर। 8 लाख से ज़ायद रज़ाकारों ने जंग में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के बदतरीन इज्तिमाई शूटिंग के बारे में मास कैजुअल्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का मुख्तसर इब्तदाई जवाब पेश किया, जिसमें 2020 में नोवा स्कॉटिया में 22 अफराद की जाने गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के बदतरीन इज्तिमाई शूटिंग के बारे में मास कैजुअल्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का मुख्तसर इब्तदाई जवाब पेश किया, जिसमें 2020 में नोवा स्कॉटिया में 22 अफराद की जाने गईं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि अहदे के मुताबिक तब्दीलियां आएंगी। मेरे लिए ख़ानदानों की मदद करने के लिए आज यहाँ मौजूद होना अहम था, ये जाहिर करने के लिए कि तमाम कैनेडियन ख़ानदान के अफराद, कम्यूनिटी, नोवा स्कॉटिया के लोगों और दीगर के साथ खड़े हैं, जो तकरीबन 3 सालों से इस खौफनाक हवलनाक दिन के बाद से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जाहिर है मैं कमिश्नरों का उनके जामा काम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कुछ हुआ उसके तमाम पहलुओं को देखते हुए
और हमें किस तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि हमें सिफारिशात और नतायज और कमीशन ने जो मौके हमारे लिए पेश किए हैं उनको सही तरीके से समझने में अभी वक्त लगेगा। इसमें कोई सवाल नहीं है कि तब्दीलियों की ज़रूरत है और होगी, लेकिन हम उनको दुरुस्त करने के लिए वक्त निकालेंगे। रिपोर्ट में कमिश्नर्स ने कहा, हमें यकीन है कि हुकूमत कनाडा और RCMP इस रिपोर्ट में जो सिफारिशात पेश करते हैं उसका जवाब कैसे देते हैं। इससे RCMP की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसिंग सर्विसेज के मुस्तकबिल पर अहम असर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत को हिदायत की गई तब्दीली के मुतालबात में से एक थी। वाज़ह रहे कि एक अवामी इंक्वायरी में बड़े पैमाने पर नाकामियों का पता चला है कि किस तरह माउंटीज ने कनाडा की बदतरीन इज्तिमाई शूटिंग का जवाब दिया और तजवीज़ किया कि ओटावा कनाडा की पॉलिसिंग में RCMP के मरकजी किरदार पर दबाव गौर करे। बरतानिया एक बड़े तजारती ब्लॉक में शामिल होने के लिए तैयार है जो मुमकिन तौर पर कनाडा और बरतानिया के दरमियान दो तरफा मुहिदे पर बातचीत को तेज़ करेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया एक बड़े तजारती ब्लॉक में शामिल होने के लिए तैयार है जो मुमकिन तौर पर कनाडा और बरतानिया के दरमियान दो तरफा मुहिदे पर बातचीत को तेज़ करेगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के जामे और तरक्की पसंद मुहिदे के ममालिक ने बरतानिया को तजारती ब्लॉक में 12वां मुल्क बनने के लिए ग्रीन लाइट दी है और पैसिफिक रिम से बाहर वाहिद मुल्क है। ये एक अच्छा दिन है। बैन अल-अक्वामी तजारत की वजीर मैरी एनजी ने एक इंटरव्यू में कहा, हम पहले दिन से ही हमेशा UK की हिमायत करते रहे हैं। एनजी ने कहा कि कनाडा इस ब्लॉक का पहला रुकन था जिसने बरतानिया को शामिल करने पर जोर दिया। हालांकि जापान बरतानिया के इल्हाक के अमल में सहूलत फराहम कर रहा है और लंदन और ऑटावा ने बरतानिया को गाय के गोश्त की मजीद बरामदात की इजाज़त देने पर झगड़ा किया है। एनजी ने कहा, हम इकदार का इश्तराक करते हैं, हमारे बहुत से शोबों में इंट्रा ऑपरेबिलिटी है। हमने बुनियादी तौर पर अपनी पूरी तारीख में तआवुन किया है। 4 साल कबल इस मुहिदे के आगाज के बाद से एनजी ने कहा कि इसने ब्लॉक को कनाडा की बरामदात में तकरीबन 1 इंच और जनूब मशरकी एशिया में 40% तक इजाफा किया है। ये एक अच्छा मुहिदा है, लेकिन वहाँ यूनाइटेड किंगडम का होना हमें कुछ और करने में मदद करता है। बरतानवी और कैनेडियन हुकाम ने कहा कि इस इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मुहिदे के लिए बातचीत को तेज करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मजदूरों के हकूक और बहरुल काहिल के मुहिदे के जरिए छोटे कारोबारों की हिमायत जैसे मसाइल पर मुश्तरका बुनियाद कायम कर चुके हैं। पैसिफिक डील ने कुछ तकनीकी मसाइल को भी हल किया जिनमें मुबैना तौर पर खाने की सफाई के मयारात शामिल हैं। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद से ऑटावा और लंदन एक अबूरी तिजारती मुहिदे के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद के मुहिदे की मियाद अगले साल खत्म हो रही है। टोरंटो सिटी काउंसिल ने टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की जानिब से अपने रिजर्व फंड से $15 मिलियन निकालने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी काउंसिल ने टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की जानिब से अपने रिजर्व फंड से $15 मिलियन निकालने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। TTC के CEO रिक लैरी का कहना है कि सेहत और हिफाजत के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, जिसमें ट्रांजिट सिस्टम पर सेफ्टी अफसरान के मुहिदों को साल के आखिर तक बढ़ाना शामिल है। लैरी ने तस्लीम किया कि लोग TTC में सफ़र करने से खौफजदा हैं, ये वही हैं जो मैं लोगों से सुनता हूँ, ये उन्हें बहुत घबराता है, लैरी ने कहा। वो घबराए हुए हैं, वो अपने बच्चों को TTC पर भेजने से घबराए हुए हैं। ये उस नुक्ता नज़र का हिस्सा है जो हम TTC में ज़्यादा से ज़्यादा अमले को लाते हुए ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैरूनी मदद ताकि लोग दोबारा आराम की सतह हासिल करना शुरू कर दें। जनवरी में शहर ने फौरी खदशात को दूर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और कम्युनिटी सेफ्टी एम्बेसडर्स को शामिल किया। टोरंटो पुलिस ने TTC पर इजाफी गश्त के लिए ओवर टाइम शिफ्टों के लिए 80 से ज्यादा अफसरान को भर्ती करके ट्रांजिट नेटवर्क पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया। ये इजाफी शिफ्टें 13 मार्च को खत्म हुई। पुलिस ने कहा कि वो TTC पर बाकायदा फाल गश्त के लिए ड्यूटी अफसरान की तैनाती के लिए वापस जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें मजीद काम करने की जरूरत है, हम जानते हैं कि हम मजीद कुछ कर सकते हैं, डिप्टी मेयर जेनिफर मैककल्वी ने कहा, लेकिन हमें आज सूबे और वफाकी हुकूमत को ये दिखाने की जरूरत है कि उन्हें आगे बढ़ने और हमारी मदद करने की जरूरत है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिकी तारीख में किसी भी साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद होने का ये पहला वाकया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिकी तारीख में किसी भी साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद होने का यह पहला वाकया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने इल्जामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बज़िद है। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन ग्रैंड ज्यूरी ने 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान
पॉर्न फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डेनियल्स को मामला छुपाने के लिए रकम अदा करने पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद की। फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला ज्यूरी की जानिब से वोटिंग के बाद किया गया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा किया है। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कार्रवाई सियासी दुश्मनी है, बाएं बाजू के डेमोक्रेट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब ये लोग नाकाबिल तसव्वुर हरकत पर उतर आए हैं। बेगुनाह शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। निज़ाम इंसाफ को डेमोक्रेट्स ने अपना हथियार बना लिया है ताकि सियासी मुखालिफ को सजा दी जा सके। साबिक सदर की वकील अलीना हिबाबा ने कहा कि ट्रंप अमरीका के करप्ट निज़ाम इंसाफ का शिकार है, यकीनी तौर पर बरी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगले हफ्ते खुद को ज्यूरी के सामने पेश करने का इम्कान है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई उन्हें सदारती इलेक्शन से बाहर रखने की सियासी साजिश करार दिया है। वाजे रहे कि मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर साबिक सदर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा था। ये इल्जामात फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डेनियल्स को मामला छुपाने के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक दावों के बारे में है और उनका ताल्लुक सन 2016 के सदारती इलेक्शन के वक्त से है। डोनाल्ड ट्रंप को इस केस में ज्यादा से ज्यादा 4 साल कैद या जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। साबिक सदर ने अपने ऊपर आयद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन इल्जामात का मकसद उन्हें आइंदा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से महरूम करना है। शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज की मदद के लिए अपने फौजी भेजने पर गौर। 8 लाख से ज्यादा रजाकारों ने जंग में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज की मदद के लिए अपने फौजी भेजने पर गौर। 8 लाख से ज्यादा रजाकारों ने जंग में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर कर दिया। जबकि रूस में जासूसी के इल्जाम में अमरीकी सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका ने मामले पर इजहार तफ्तीश किया है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि ऐवान गर्शकोक रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक शोबे की सरगर्मियों के बारे में खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा ने रूस में अमरीकी रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सहाफियों और मीडिया के खिलाफ रूस के इकदाम काबिल मजम्मत हैं। बाइडन इंतजामिया गिरफ्तार रिपोर्टर के खानदान और रूसी हुकूमत से रابطे में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अमरीकी रिपोर्टर एवन ग्रिशकविच को रूसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 29 मई तक हिरासत में रखने का हुक्म जारी कर दिया। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मॉस्को ब्यूरो में काम करने वाले अमरीकी रिपोर्टर को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जारी करदा बयान में FSB के इल्जामात की तर्दीद करते हुए अपनी रिपोर्टर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। अमरीकी रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट हाउस ने रूस में मुकीम अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर रूस छोड़ने का मशवरा दे दिया। रूसी सहाफी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से 5 लाख फौजी यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज की मदद करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जबकि रजाकारों की भर्ती के ऐलान के बाद 8 लाख से ज्यादा अफराद ने जंग में रूसी फौज की मदद करने का इरादा जाहिर किया है। रूसी सहाफी ने दावा किया कि शुमाली कोरिया के वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने उन्हें बताया कि शुमाली कोरिया के 50,000 स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।